हेलो स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज पॉलिनोमियल्स। अ पॉलिनोमियल्स एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट हैज ओनली होल नंबर्स एज द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। जैसा कि बच्चों, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल तब कहेंगे जब उसके वेरिएबल के जो पावर होंगे यानी एक्सपोनेंट होंगे वो होल नंबर होने चाहिए। यहाँ पे कुछ हमने एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जरा देखो। एक है 2x² + 3x + 4, ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि देखो, x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, x का पावर क्या है, 0 है। यानी प्रत्येक टर्म में आप देखो तो जो x वेरिएबल है उसका जो पावर है वो क्या, होल नंबर है। ठीक है, और होल नंबर होने की वजह से क्या होगा, ये जो वैलिड है पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल वैलिड है। और ये किस फॉर्म में है, एक वेरिएबल के फॉर्म में है, तो ये भी पॉलिनोमियल है वेरिएबल x। ठीक है, अगर बच्चों एक ऐसा ही और एग्जांपल है, 2y³ + y² + 3y + 1, इट इज आल्सो ए पॉलिनोमियल बट इन वेरिएबल y के फॉर्म में एक पॉलिनोमियल लिखा गया है। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, x² + 3xy + y² इज आल्सो ए पॉलिनोमियल बट इट इन्वॉल्विंग इन टू वेरिएबल्स x एंड y। ध्यान दो, यहाँ पे दो वेरिएबल का यूज हो रहा है, x और y, और ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। तो देखो, पॉलिनोमियल होने के क्या कंडीशंस होते हैं। पॉलिनोमियल होने में के लिए पहली कंडीशन से है कि पॉलिनोमियल के अंदर जितने भी टर्म्स होंगे और उसके जो वेरिएबल होंगे उसके जो पावर होंगे वो होल नंबर होने चाहिए। जैसे देखो, एक एग्जांपल लेते हैं, एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जहां हम बताएंगे कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है जैसे मान लो 2x + 3, अब ये पॉलिनोमियल है, इज ए पॉलिनोमियल, ये तो सबको समझ में आया ये पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मैं 2x⁻¹² लिख दूं और प्लस 3 करूं तो ध्यान दो, इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब सोचो क्यों ऐसा हुआ। देखो बेटा, पहले बात सुनो, टर्म कैसे डिफाइन करोगे। देखो, जब दो, ये देखो दो टर्म है, दो टर्म के बीच में या तो प्लस हो या तो माइनस हो, तो हम कहेंगे फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है। यानी फर्स्ट सेकेंड टर्म को सेपरेट करने वाला जो ऑपरेटर है या तो प्लस होता है या तो माइनस होता है। ठीक है, तो तुम देखो ध्यान से कि 2x और 3, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ कुछ नहीं दिखने का मतलब क्या है, x का पावर 0 है। यहाँ x का पावर 1 होल नंबर है, x का पावर 0 0 भी होल नंबर है। यानी प्रत्येक टर्म में जो वेरिएबल x है उसका पावर होल नंबर है, तो पॉलिनोमियल होगा, यानी ये पॉलिनोमियल है। अब यहाँ देखो, यहाँ 2x⁻¹² + 3x⁻¹० है, मान लो 3x⁻¹० x⁻¹० की वैल्यू होती है, आपने पढ़ा था। तो बेटा ये देखो, अगर मैं सिर्फ ये 3 देखता तो 3 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 3 पॉलिनोमियल है, लेकिन ये x का पावर क्या है, 1/2, इट इज नॉट ए होल नंबर, सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। इसका ये मतलब है पॉलिनोमियल कब नहीं होगा, पॉलिनोमियल तब नहीं होता है जब वेरिएबल x का पावर क्या, होल नंबर ना हो, फ्रैक्शन में आए, निगेटिव में आए। ठीक है ना, जैसे ऐसे देखो, x + 1/x, ये भी जो है पॉलिनोमियल नहीं है, इज नॉट ए पॉलिनोमियल। अब सोचो कैसे, इसलिए कि देखो, x + 1/x को आप लिख सकते हो x + x⁻¹². अब देखो, यहाँ x का पावर 1 है, सिर्फ अगर ये टर्म दिखता हमको, सिर्फ x होता तो x पॉलिनोमियल होता, लेकिन यहाँ पे x + 1/x है, इट इज आल्सो रिटन है x + x⁻¹। अब -1 होल नंबर नहीं है, सो इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है ना बेटा, तो देखो, पॉलिनोमियल होने की क्या कंडीशंस है। कोई भी पॉलिनोमियल होगा तो जितने भी वेरिएबल्स, मतलब उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स आएंगे, फिलहाल हमारे सिलेबस में पॉलिनोमियल्स ऑफ वन वेरिएबल पढ़ना हमको है। ठीक है ना, तो उस टर्म के वेरिएबल पे जो पावर्स होंगे इट मस्ट बी होल नंबर। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो हेडिंग डालते हैं जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। जो कुछ उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं टर्म्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखो बेटा, द वेरियस पार्ट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल सेपरेटेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव ऑपरेटर्स आर कॉल्ड इट्स टर्म्स एंड ईच टर्म हैज ए कोएफिशिएंट। जैसे कि बता ही जा चुका था कि टर्म्स कैसे डिफाइन करते हैं, तो जो भी हम पॉलिनोमियल लिखते हैं तो आप देखोगे उस पॉलिनोमियल में क्या होगा, प्लस और माइनस का यूज होता है, जो प्लस और माइनस होता है एज ए सेपरेटर यूज होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं x² + 2x - 3, कोई पॉलिनोमियल है। ठीक है ना,
तो तुम देखो ध्यान से यहाँ पर कितने टर्म है ये पता करो, यहाँ प्लस है माइनस है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म, कोई किसी को फर्स्ट सेकंड थर्म मान सकते हो। तो इस पॉलीनोमियल में थ्री टर्म है जिसमें से कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज क्या है, प्लस वन है, यहाँ कुछ नहीं तो वन ही होगा। कोफिशियंट ऑफ एक्स इज टू है एंड इट इज सेट टू बी द कांस्टेंट टर्म, जिसमें एक्स ना दिखे दैट इज सेट टू बी कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस थ्री है। तो बच्चों कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि राइट द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस पॉलीनोमियल, तो आप कहोगे वन है। राइट द कोफिशियंट ऑफ एक्स इन दिस पॉलीनोमियल, तो कहोगे टू है। एंड व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म इन दिस पॉलीनोमियल, कहोगे माइनस थ्री है। अब कैसे जानेंगे कि टर्म्स की संख्या इसमें थ्री है, ये देखो प्लस और माइनस क्या करता है, सेपरेट करता है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है ना। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, 3x के पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 6, ये कोई पॉलीनोमियल मान लो, ठीक है। बेटा देखो ध्यान से इसमें कुल कितने टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें फोर टर्म है। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4, तो कहोगे प्लस 3। व्हाट इज द न्यूमेरिक कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 3, तो कहोगे माइनस 2। व्हाट इज द न्यूमेरिक कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो कहोगे प्लस 1। व्हाट इज द कांस्टेंट, तो कहोगे 6। एक चीज देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट नहीं दिख रहा है, इसमें कहीं भी x का टर्म नहीं दिख रहा है। तो अगर मैं कहूँ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो कहोगे 0। क्यों? क्योंकि हम चाहें तो 0 इंटू x भी तो जोड़ सकते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि 1, 2, 3, 4, 5, अब इसको 5 टर्म नहीं कर सकते हो, ये टर्म 4 ही है। लेकिन एक आंसर, एक क्वेश्चन बन सकता है कि इस एक्सप्रेशन में या इस पॉलीनोमियल में कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ x दिख नहीं रहा है तो कह देना 0 है, ठीक है। बिकॉज हम जानते हैं 0 इंटू x 0 होता है, तो x का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने टर्म्स और कोफिशिएंट बता दिया। तो एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बता सकते हो, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन देते हैं, मान लो कोई पॉलीनोमियल है px, मान लो ये है 1 माइनस 2x प्लस x पे पावर 3। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0, या हम कहें तो व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म, बात एक ही है, तो 1 है ये। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो कहोगे माइनस 2। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 3, कहोगे प्लस 1। एंड व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, आप देखो यहाँ पे कहीं भी x स्क्वायर का टर्म दिख नहीं रहा, इसलिए x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा बच्चों, 0 होगा, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों अब हम पढ़ते हैं जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री n। बेटा देखो किसी भी पॉलीनोमियल की डिग्री क्या है, पहले समझ लो। कोई भी पॉलीनोमियल होगा तो जो वेरिएबल x का पावर होगा, तो उसका जो हाईएस्ट पावर होगा, सबसे ज्यादा जो पावर रखेगा, वही उसकी डिग्री कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसे मान लो हम कहते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पे पावर 4। ध्यान दो ये पॉलीनोमियल है, अब यहाँ x का पावर 0 है, x का पावर 2 है, x का पावर 4 है, तो 0 टू 4 का मैक्सिमम वैल्यू कौन है, 4 है, तो इस पॉलीनोमियल की डिग्री 4 हो जाएगी, ठीक है। तो डिग्री आप समझ गए। अब आते हैं जनरल फॉर्म ऑफ पॉलीनोमियल को स्टडी करते हैं। देखो हम किसी भी पॉलीनोमियल को जनरल फॉर्म में कुछ ऐसे लिखते हैं, px, p फॉर पॉलीनोमियल x, मतलब x वेरिएबल यूज हो रहा है, सिर्फ x वेरिएबल, a नॉट a जीरो प्लस a वन एक्स प्लस a टू एक्स स्क्वायर प्लस a थ्री एक्स क्यू प्लस a फोर एक्स पे पावर 4 एंड सो ऑन, एंड लास्ट टर्म में a n x टू द पावर n, b अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री n वेयर a जीरो a वन a टू a थ्री a फोर एंड सो ऑन a n आर ऑल रियल नंबर, एंड ध्यान दीजिएगा कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n जो कि a n है, रियल नंबर है, वो 0 नहीं होना चाहिए, और n क्या है बेटा, होल नंबर है, ठीक है। ये होता है पॉलीनोमियल का क्या, ये मतलब जनरल फॉर्म होता है। कुछ कुछ किताबों में आप इस px को ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे ऐसे मैं लिख रहा हूं, जैसे a n x पे पावर n, ठीक है, उससे पहले हम a ऑफ n माइनस 1 इंटू x पे पावर n माइनस 1 लिखते हैं, फिर उसके जस्ट पहले a पावर n माइनस 2 इंटू x पे पावर n माइनस 2 लिखते हैं एंड सो ऑन, और लास्ट में बेटा ना आपका आ जाएगा a1 x प्लस a नॉट आ जाएगा। इट मीन दैट इसको थोड़ा रिवर्स करके ऐसे ही पढ़ सकते हो, जैसे a0 है, ये a0 है, ये a1 x है, नेक्स्ट होगा a2 x स्क्वायर, नेक्स्ट होगा a3 x क्यूब, ऐसे ऐसे घट ऐसे ऐसे लास्ट में मिल जाएगा a n x पावर n। ये भी एक तरह से जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलीनोमियल है, ठीक है ना, जिसकी डिग्री क्या है, n है। देखो x का पावर यहाँ n है, n मतलब होल नंबर है, जैसे मान लो x का पावर 3 है, तो ये अगर मान लो अगर n का पावर 3 होगा तो ये क्या होगा, x क्यूब होगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये x हो जाएगा, अगले वाला कांस्टेंट यानी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल आप जनरल फॉर्म को समझने का प्रयास करो, समझो यही जनरल फॉर्म है। तो आइए इसके बारे में और स्टडी करते हैं। एक चीज देखो बेटा, ये a0 a1 a2 है क्या, ये रियल नंबर होते हैं, ठीक है, ये सब के सब रियल नंबर है। अब हम
टाइप्स ऑफ पाइनोमियल पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। तो देखो पाइनोमियल को ना हम ना दो भागों में बांट सकते हैं, पहला ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो आइए हम बारी बारी से दोनों की स्टडी करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ पाइनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। तो बच्चों पढ़ते हैं पहले क्लासिफिकेशन ऑफ पाइनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स। तो पहला आता है मोनोमियल। देखो मोनोमियल का मतलब मोनो मतलब वन होता है, तो अ पाइनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। एक ऐसा पाइनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म होगा उसे मोनोमियल कहेंगे। कुछ एग्जांपल्स है जैसे 3x है, या सेकंड एग्जांपल लेते हैं x2y2, थर्ड एग्जांपल लेते हैं y3 etc। मतलब आप कोई भी पाइनोमियल लिख सकते हो जिसके पास सिर्फ एक टर्म हो, ठीक है ना, उसे मोनोमियल कहेंगे। ऐसा पाइनोमियल जिसके पास सिर्फ एक टर्म होगा, वन टर्म होगा, उसे आप बेटा क्या कहोगे, मोनोमियल कहोगे, क्योंकि मोनो मींस वन होता है। ऐसे होता है बाइनोमियल, बाई मतलब होता है टू, ठीक है। तो ऐसा पाइनोमियल जिसके पास सिर्फ दो टर्म हो, सिर्फ दो टर्म हो, उसे हम बाइनोमियल कहेंगे। अ पाइनोमियल हैविंग टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। कोई एग्जांपल ले लो, जैसे एक पाइनोमियल मैंने एग्जांपल में माना x-3। देखो x आपका क्या है, पहला टर्म है, 3 आपका दूसरा टर्म है, अब बीच में माइनस लगा है। मैंने पहले बोला था माइनस हो चाहे प्लस हो क्या होता है, सेपरेट करता है। तो फर्स्ट टर्म है x, सेकंड टर्म है -3, सो x-3 इज ए बाइनोमियल है। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो 1-x2, ये भी क्या है, बाइनोमियल है। और थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, मान लो px बराबर है x2+x³। देखो बेटा ये x पे पावर 2 डिफरेंट टर्म है, x2 डिफरेंट टर्म, इसलिए क्या हुआ, ये भी बाइनोमियल हुआ। अब कोई बच्चा ऐसे लिख दे px=x+x, तो क्या इसको आप बाइनोमियल कहोगे, नहीं कहोगे, क्योंकि x प्लस x ऐड हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो ये मोनोमियल में चेंज होगा। तो ये भी ध्यान देना कि दोनों टर्म डिस्टिंक्ट होना चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। यानी अब ये हो सकता है x2+x को आप क्या कह सकते हो, बाइनोमियल कह सकते हो, ठीक है। लेकिन वही अगर आपका x+x होता तो 2x होता और 2x आपका मोनोमियल हो जाता। ऐसे ही ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल टाई मतलब होता है 3, ट्राई मींस 3, इसलिए इसका नाम रखा गया ट्राइनोमियल। क्या होगा इसका डिफिनेशन, अ पाइनोमियल हैविंग ओनली 3 टर्म। एक ऐसा पाइनोमियल जिसमें सिर्फ 3 टर्म हो उसे सिर्फ क्या कहोगे, आप कहोगे उसे ट्राइनोमियल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पाइनोमियल मैंने लिखा 3+2x+x2। देखो 3 डिफरेंट टर्म है, 2x भी डिफरेंट है, x² डिफरेंट है, इसलिए ट्राइनोमियल है। ऐसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, पाइनोमियल है 2x²-6x³+7। या जितने भी टर्म देख रहे हैं सबके सब डिफरेंट है और ये ट्राइनोमियल है, क्यों, क्योंकि इनके पास 3 टर्म है। तो ये हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ पाइनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पाइनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्रीज। पहले हम डिग्री को देखते हैं। देखो डिग्री का डिफिनेशन ये है, द डिग्री ऑफ ए पाइनोमियल इन वन वेरिएबल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन दैट पाइनोमियल। किसी भी पाइनोमियल में जो वेरिएबल होते हैं उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वही उस पाइनोमियल की डिग्री कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल 3x+4, बेटा यहाँ देखो, यहाँ जो वेरिएबल x है उसका हाईएस्ट पावर क्या 1 है, यहाँ तो दिख नहीं रहा होगा, यहाँ समझो यहाँ x का पावर 0 है, तो यहाँ x का पावर 1 है पहले टर्म में, सेकंड टर्म x का पावर 0 है, तो 1 और 0 में हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है, सो इसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। इसको आगे चल के बताएंगे, लीनियर पॉलीनोमियल है, जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम लीनियर पॉलीनोमियल कहते हैं। ऐसे एक सेकंड एग्जांपल देखो, 1-2x+x2, 2x मतलब 2×x⁻¹। बेटा यहाँ पे इस टर्म में x का पावर 0 है, नहीं है तो x का पावर 0 ही होगा, यहाँ x का पावर 1 है, x का पावर 2 है, तो 0, 1, 2 में मैक्सिमम वैल्यू क्या 2 है, तो सो इस पाइनोमियल की जो डिग्री होगी बेटा 2 होगी, और जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पाइनोमियल कहते हैं। नाउ थर्ड एग्जांपल देखो बेटा, यहाँ देखो यहाँ x का पावर 3 है, यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर बेटा जो क्या है 1 है, और यहाँ कुछ नहीं होने का मतलब है कि x का पावर 0 है, क्योंकि x का पावर 0 1 ही होता है। तो अब देखो 3, 2, 1 और 0 में मैक्सिमम वैल्यू कौन है, मैक्सिमम वैल्यू 3 है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं इस पाइनोमियल की डिग्री बच्चों क्या है, 3 है। ऐसे ही एक पाइनोमियल और है, ये y के रूप में लिखा गया है, यानी ये भी पाइनोमियल है जो किस रूप में है, y के फॉर्म में, ठीक है। तो इसकी डिग्री क्या होगी, 6 होगी। क्यों 6 होगी, क्योंकि जो वेरिएबल y है उसका मैक्सिमम पावर क्या 6 है। जैसे देखो यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो 6, 4, 1, 0 का मैक्सिमम वैल्यू 6 होगा, इस वजह से इसकी डिग्री क्या होगी, 6 होगी। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पाइनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो देखो बेटा अभी मैंने बोल दिया, ऐसा पाइनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसे लीनियर पाइनोमियल कहोगे,
ऐसा पाइनॉमल जिसकी डिग्री 2 होगी उसे क्वाड्रेटिक पाइनॉमल कहोगे, ऐसा पाइनॉमल जिसकी डिग्री 3 होगी उसे क्वाड्रेटिक पाइनॉमल कहोगे। ऐसे ही हम इसको डिफाइन करेंगे। आइए देखते हैं बारी बारी इसका डिफिनीशन प्लस एग्जाम्पल। लीनियर पाइनॉमल डिफिनीशन है, अ पाइनॉमल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पाइनॉमल एंड द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर पाइनॉमल इज ए एक्स प्लस बी। ध्यान देना बेटा, ए और बी रियल नंबर है बट ए नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसका यह मतलब है लीनियर पाइनॉमल बनने के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 टर्म का यूज कर सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। 1 टर्म से भी लीनियर पाइनॉमल बनाया जा सकता है, 2 टर्म को लेकर भी लीनियर पाइनॉमल बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, कभी एक नंबर पूछा जाता है कि हाउ मेनी टर्म्स कैन यूज टू फॉर्म अ लीनियर पाइनॉमल, तो मैक्सिमम टर्म का इस्तेमाल हम 2 कर सकते हैं, ठीक है ना। 2 टर्म को ज्यादा से ज्यादा हम 2 ही टर्म का इस्तेमाल करके हम लीनियर पाइनॉमल बना सकते हैं। साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ बी जीरो हो सकता है, ए कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो उस केस में पी एक्स बराबर बी हो जाएगा, पाइनॉमल बी हो जाएगा। अब बी कॉन्स्टेंट पाइनॉमल कहलाता है और कॉन्स्टेंट पाइनॉमल लीनियर पाइनॉमल नहीं होता है। अब आते हैं क्वाड्रेटिक पाइनॉमल। क्या डिफिनेशन है, अ पाइनॉमल ऑफ डिग्री 2, ऐसा पाइनॉमल जिसकी डिग्री 2 हो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पाइनॉमल। और इस क्वाड्रेटिक पाइनॉमल का जो जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर बट ए नॉट इक्वल टू जीरो। फिर से मैं समझा दूं क्यों ए जीरो नहीं है। मान लो बेटा अगर ए जीरो हो गया तो ये टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया। जब ये टर्म जीरो हो जाएगा तो उस केस में बी एक्स प्लस सी लीनियर पाइनॉमल में चेंज हो जाएगा। याद रखिएगा ए जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ अगर बी जीरो हो गया तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी अभी भी ये क्वाड्रेटिक है, और अगर सी भी जीरो हो गया तो उस केस में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स हो जाएगा, अभी भी ये पाइनॉमल है। और बी और सी अगर जीरो हो गया अभी भी बचेगा ए एक्स स्क्वायर, अभी भी ये क्वाड्रेटिक पाइनॉमल है। इसका यह मतलब है कि क्वाड्रेटिक पाइनॉमल होने के लिए जो जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है बेटा, उसमें ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। बी जबकि ए जीरो ना हो, बी और सी जीरो हो जाए ठीक है चलेगा, लेकिन ए जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, इससे ये भी पता चल रहा है कि क्वाड्रेटिक पाइनॉमल होने के लिए ज्यादा से ज्यादा 3 टर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा होगा हम 1 टर्म का यूज करके भी हम क्वाड्रेटिक पाइनॉमल बना सकते हैं, जैसे 2x2, जैसे 3x2। हम 2 टर्म लेकर के भी क्वाड्रेटिक पाइनॉमल बना सकते हैं, जैसे 3x2 + 5, और हम 3 टर्म लेकर के भी क्वाड्रेटिक पाइनॉमल बना सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा क्वाड्रेटिक पाइनॉमल बनाने के लिए मैक्सिमम टर्म हम 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 टर्म लेकर के भी क्वाड्रेटिक पाइनॉमल बनाया जा सकता है, 2 टर्म का यूज करके भी क्वाड्रेटिक पाइनॉमल बनाया जा सकता है, और 1 टर्म का यूज करके भी क्वाड्रेटिक पाइनॉमल बनाया जा सकता है। अर्थात मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल तीनों रूपों में हमारा क्वाड्रेटिक पाइनॉमल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जबकि लीनियर पाइनॉमियल मोनोमियल में भी एग्जिस्ट करेगा, बाइनोमियल में भी एग्जिस्ट करेगा। अब आते हैं क्यूबिक पाइनॉमियल। अ पाइनॉमियल ऑफ डिग्री 3, ए पाइनॉमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पाइनॉमियल। कोई भी पाइनॉमियल जिसकी डिग्री 3 होती है बेटा उसे हम कहते हैं क्यूबिक पाइनॉमियल। और इसका जो जनरल फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए बी सी डी ये चारों चार रियल नंबर है। बिलोंग्स टू आर मतलब है कि शॉर्ट में मैंने लिखा ए बी सी डी रियल नंबर है व्हेन ए नॉट इक्वल टू जीरो। ध्यान दीजिएगा ए यहाँ जीरो ना हो, फिर क्यों हो, अगर ए ही जीरो हो गया तो ठीक हम बताएंगे बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पाइनॉमियल चल जाएगा। तो ए जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ बी जीरो हो जाए चलेगा, सी जीरो हो जाए चलेगा, डी जीरो हो जाए चलेगा, लेकिन ए कभी जीरो ना हो, ठीक है। एक और पाइनॉमियल होता है जिसे हम लोग कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पाइनॉमियल। तो बाई क्वाड्रेटिक पाइनॉमियल क्या होता है बच्चों, ऐसा पाइनॉमियल जिसकी डिग्री 4 हो उसे हम बाई क्वाड्रेटिक पाइनॉमियल कहते हैं। और इसका जो जनरल फॉर्म होता है, इसका जो जनरल फॉर्म होता है ए एक्स पे पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई होता है, वेयर ए बी सी डी एंड ई आर द रियल नंबर्स बट ए नॉट इक्वल टू जीरो। आइए देखते हैं बच्चों बाई क्वाड्रेटिक पाइनॉमियल अगला डिफिनेशन है। कह रहा है कि अ पाइनॉमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड अ बाई क्वाड्रेटिक पाइनॉमियल। जिसकी डिग्री 4 होती है हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पाइनॉमियल के नाम से जानते हैं। इसका जो जनरल फॉर्म है कुछ इस तरह से है, ए इंटू एक्स पे पावर 4 प्लस बी इंटू एक्स पे पावर 3 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, वेयर ए बी सी डी एंड ई आर रियल नंबर्स एट ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से बेटा ये हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पाइनॉमियल। कुछ और पाइनॉमियल्स है, जैसे एक बेटा आता है कॉन्स्टेंट पाइनॉमियल। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कॉन्स्टेंट पाइनॉमियल क्या है और इसकी डिग्री कितनी होती है। एक होता है जीरो पाइनॉमियल। तो देखो कॉन्स्टेंट पाइनॉमियल वह पाइनॉमियल होती है जिसकी डिग्री 0 होती है। अर्थात ये पाइनॉमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट पाइनॉमियल, कॉन्स्टेंट पॉलीनॉमियल। देखो बेटा जिसकी डिग्री 0 हो उसे हम लोग कॉन्स्टेंट पाइनॉमियल कहते हैं।
और एक चीज नोट में याद कर लेना कि जितने भी रियल नंबर होते हैं, आर रियल नंबर, अब रियल नंबर में रेशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, ठीक है, सब तरह के नंबर आते हैं। आर रियल नंबर एक्सेप्ट सिर्फ किसको छोड़ के, जीरो, क्या है, इज ए कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल, इज अ कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल। ध्यान देना मैंने ऐसा क्यों कहा सिर्फ जीरो को छोड़ के, क्योंकि जीरो क्या डिग्री जीरो नहीं होती है, जीरो की डिग्री नॉट डिफाइन होती है, ठीक है, अभी क्यों बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लो हम वन की बात कर रहे हैं, तो वन को वन इंटू एक्स पावर जीरो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स पावर जीरो वन होती है तो वन इंटू वन हो जाएगी, तो इस केस में इसकी डिग्री भी क्या होगी, वन ही होगी, नहीं। ऐसे ही मान लो अगर वन बाई टू होता तो वन बाई टू भी लिखते हैं, वन बाई टू इंटू एक्स पावर जीरो, इसकी भी डिग्री जीरो होगी। कोई भी ऐसी मान लो कोई इरेशनल नंबर सोच लो, सब कुछ कर लो, जैसे मान लो अंडर रूट थ्री एक रियल नंबर है, तो रूट थ्री इंटू एक्स पावर जीरो लिख सकते हैं कि नहीं, इसकी भी डिग्री क्या बेटा, जीरो है। तो कोई भी रियल नंबर लो, बस जीरो को छोड़ के, वो सबके सब डिग्री क्या देगा, जीरो देगा, इसीलिए इसको कहते हैं कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल। एक ऐसे ही होता है, एक होता है जीरो पॉलीनोमियल। जीरो पॉलीनोमियल क्या होता है, तो पहले इसका डिफिनेशन समझो, इसका डिफिनेशन ये है कि ऐसा पॉलीनोमियल जिसके पास सिर्फ एक ही टर्म हो और वो क्या हो, जीरो हो। ध्यान दो, जीरो पॉलीनोमियल मोनोमियल भी है, लेकिन मोनोमियल होने के साथ एक प्रॉपर्टी और है, और वो जो टर्म सिर्फ जीरो होगा, यानी लिखेंगे अ पॉलीनोमियल हैविंग वन टर्म, मतलब ये मोनोमियल जैसा है, हैविंग वन टर्म मतलब एक टर्म होगा और वो टर्म क्या होगा, विच इज जीरो, हैविंग वन टर्म और विच इज क्या है, जीरो, मतलब जीरो को ही हम लोग कहते हैं जीरो पॉलीनोमियल, इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, जीरो पॉलीनोमियल, और जीरो पॉलीनोमियल इसको हम जीरो पॉलीनोमियल कह सकते हैं। एंड इसकी डिग्री हम एक और डिफिनेशन बोल सकते हैं, जीरो पॉलीनोमियल वह पॉलीनोमियल होगी जिसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है, एंड इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड, एंड इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अब तुम सोचो क्यों नॉट डिफाइंड है, ये हम समझा देते हैं। ये क्रम में पूछा जाता है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो, नंबर जीरो, तो कहोगे द डिग्री ऑफ नंबर जीरो इज नॉट डिफाइंड, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे जरा समझो। फॉर एग्जाम्पल हम समझाते हैं, तो देखो जीरो को हम लिखते हैं जीरो गुणे एक्स पे पावर जीरो, या जीरो को लिख सकते हैं जीरो इंटू एक्स पे पावर वन, या जीरो को लिख सकते हैं जीरो इंटू एक्स पे पावर टू, या जीरो को लिख सकते जीरो इंटू एक्स पे पावर थ्री, एंड सो ऑन। तो जीरो को लास्ट में लिख सकते हैं, सपोज कर सकते हैं जीरो इंटू एक्स पे पावर एन। तो यहां से सोचो तो इसकी डिग्री क्या है बेटा, जीरो है। यहां से इसकी डिग्री क्या मिल रहा हमको, वन मिल रहा है। यहां से इसकी डिग्री क्या मिल रहा बच्चों, टू मिल रहा है। और यहां से इसकी डिग्री क्या मिल रहा बच्चों, थ्री मिल रहा है। और यहां से इसकी जो डिग्री है ना बेटा, थ्री मिल रहा है। तो तुम क्या देख रहे हो कि जीरो की डिग्री कभी जीरो हो जा रही है, कभी वन हो जा रही है, कभी टू हो जा रही है, कभी थ्री हो जा रही है, और कभी एन हो जा रही है। एन भी वो नंबर है, हाईएस्ट डिग्री होगा। तो उस केस में हम कह रहे हैं कि जीरो की डिग्री फिक्स नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि द डिग्री ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड। इसीलिए मैंने कहा ना कि जीरो पॉलीनोमियल एक ऐसा पॉलीनोमियल होगा जिसकी डिग्री नॉट डिफाइन होती है। और जीरो पॉलीनोमियल है क्या, एक तरह से कांस्टेंट पॉलीनोमियल है, लेकिन वो कांस्टेंट इटसेल्फ क्या है, जीरो है। तो जीरो जो है, जीरो को हम जीरो पॉलीनोमियल भी कहते हैं, और उसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है, याद रखना बच्चों। बच्चों जो कुछ क्वेश्चन लेते हैं पॉलीनोमियल से रिलेटेड है, कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कोई भी जब पॉलीनोमियल लिखते हैं ना, तो उसके जो पावर्स होते हैं हमेशा घटते हुए क्रम में लिखना चाहिए, यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। जैसे ये हमारा पॉलीनोमियल है जिसकी डिग्री सेवन है, तो सबसे पहले आप क्या करो, पहले तो मान लो पहला सब मान लो पॉलीनोमियल को कोई नेमिंग कर देते हैं, पॉलीनोमियल का नेमिंग है px, qx, gx, hx कुछ भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखो, 4x पे पावर 7, अब उससे कम पावर वाला कौन है, ये है, -3x पे पावर 5, अब उससे कम वाला पावर कौन रख रहा है, ये है आपका +6x2, देन उससे कम पावर वाला कौन बेटा, -9x है, देन क्या है, कांस्टेंट टर्म है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा क्या है, पहला सॉल्यूशन है, ठीक है ना, रेट हटाओ, मतलब ये हमारा जो पॉलीनोमियल एक एक नंबर के क्वेश्चन है, इस ये जो पॉलीनोमियल है वही है। अब इसको किस फॉर्म में लिखा, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा, ध्यान दो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते समय इस बात पे ध्यान देते हैं कि जो पावर्स होंगे वो घटते हुए क्रम में लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेकंड, देखो ये पहले का था, सेकंड का पॉलीनोमियल देखते हैं,
सबसे हाईएस्ट डिग्री कितनी है x पे पावर 4, उसके बाद वाला पावर ये है यानी प्लस 62x2, देन माइनस 120x, लास्ट में कांस्टेंट है कौन 9। ये हमारा क्या है बेटा, ये भी ये पॉलीनोमियल है जिसकी डिग्री 4 है और इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का क्या प्रोसीजर होता है, हाईएस्ट पावर को पहले लिखो, देन उसका अगला जो टर्म होगा वो उसका पावर थोड़ा कम होगा, इट मीन डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्वेश्चन है ये आज होमवर्क है आपके लिए, ऊपर वाला सवाल, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो बताया था बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये कर लीजिएगा चलो, और क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलीनोमियल एज मोनोमियल बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। बच्चों देखो पहला सवाल मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट वन वर्ड आंसर, वन वर्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है। देखो पहला है एक्स स्क्वायर पर अंडर रूट 5 × x, एक्स जो है ना रूट के बाहर है। देखो यहाँ एक टर्म है, एक टर्म ये है, दो टर्म है, जो पहला टर्म पहला जो पाइनोमियल है वो बाइनोमियल है, क्योंकि जो दो टर्म लगता है उसे बाइनोमियल कहते हैं, बाइनोमियल। नाउ सेकंड, देखो बेटा ये देखो ध्यान से, वाई क्यू है 2x 3 है, देखो ये भी पाइनोमियल है लेकिन ये पाइनोमियल 1 वेरिएबल नहीं बिल्कुल 2 वेरिएबल का इस्तेमाल किया जा रहा है इस पाइनोमियल में, तो ओवरऑल ये पाइनोमियल है। इसके कुल कितने टर्म है, 3 टर्म है, देखो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, यानी ये ट्राइनोमियल है, ये जब 3 टर्म होगा तो इसे ट्राइनोमियल कहोगे। और पाइनोमियल कितने वेरिएबल का है, 2 वेरिएबल का है, तो कहोगे इट इज द पाइनोमियल ऑफ वेरिएबल 2 1 2, कौन कौन, एक एक्स वाई और एक ट्राइनोमियल, तो बस आपको ट्राइनोमियल लिखना है। थर्ड देखो बेटा इसमें जेड का पावर 6 है, इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, ये मोनोमियल है, मोनोमियल है जिसकी डिग्री 6 है, ठीक है मोनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, 5x2 + 6x, इसमें देखो दो ही टर्म है तो इसलिए बाइनोमियल होगा, जब दो टर्म होगा तो बाइनोमियल होगा, आपने पढ़ा था डिफिनेशन, ठीक है। ये देखो 9 × z^4, ठीक है ना, तो देखो फिफ्थ ये क्या है, एक ही टर्म है, ये मोनोमियल है, एक ही टर्म है। और 7 ये भी मोनो, एक ही टर्म है ना, 7 + 7 ये भी मोनोमियल होगा, तो बहुत आसान है, ठीक है। आपको इसमें यह ढूंढना था बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है कि मोनोमियल है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है देखो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलीनोमियल्स जस्टिफाई योर आंसर। हमने यहाँ कुछ 8 क्वेश्चंस दे दिए हैं, बारी बारी इसके बारे में पढ़ते हैं। 8 क्या 8 जो है पॉलीनोमियल है, जैसा कि बच्चों बताया गया था 8 एक रियल नंबर है और रियल नंबर को हम कांस्टेंट पॉलीनोमियल के नाम से जानते हैं, तो हाँ ये तो है पॉलीनोमियल। जस्टिफिकेशन में ये लिखेंगे कि देखो 8 को हम लिख सकते हैं 8 × x^0, इसका ये मतलब है कि जो वेरिएबल x का x पावर क्या 0 है, तो कहेंगे कि इट इज ए पाइनोमियल, क्यों, क्योंकि जो इसका एक एक्सपोनेंट है 0 है, 0 एक होल नंबर है, तो कहोगे यस इट इज ए पाइनोमियल, और चाहो इस पाइनोमियल का नाम रख दो, एक्चुअली इसका नेम है कॉन्स्टेंट पाइनोमियल, तो आपको बस पाइनोमियल बोलना है कि नहीं है, इट इज ए पाइनोमियल, ये पाइनोमियल है क्योंकि बिकॉज इट्स एक्सपोनेंट, माने जो वेरिएबल x है उसका जो पावर है क्या है, इज क्या है 0 है, जो कि क्या है एज ए होल नंबर, एक होल नंबर के रूप में, ठीक है ना, इस एक्सपोनेंट क्या है 0 है और वो क्या है जी एक होल नंबर है, ठीक है। सो 8 क्या है हमारा, एक पाइनोमियल है और इस पाइनोमियल का नाम क्या है, कॉन्स्टेंट पाइनोमियल। ऐसे ही जरा देखो सेकेंड, अंडर रूट 3 × x^2 - 2x, बेटा बताओ ये क्या, ये पाइनोमियल है कि नहीं, जी हाँ ये भी पाइनोमियल है, पाइनोमियल क्यों, क्योंकि यहाँ देखो x का पावर 2 है, 2 होल नंबर है, यहाँ x का पावर 1 है, 1 भी होल नंबर है, तो कहेंगे कि दिस एक्सप्रेशन इज आल्सो ए पाइनोमियल बिकॉज ईच एक्सपोनेंट इज ए क्या है, होल नंबर है, जो वेरिएबल x से है उसका प्रत्येक पावर क्या है, होल नंबर है, हम कहेंगे इज ए पाइनोमियल, इज अ पॉलीनोमियल, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल एक्स हैज होल नंबर। आप एक्सप्लेनेशन में ऐसे लिख सकते हो, अब चाहो तो इस पाइनोमियल को तुम बोल सकते हो क्वाड्रेटिक पाइनोमियल, क्योंकि आपको पहले से पता है कि ये क्वाड्रेटिक पाइनोमियल है। थर्ड क्वेश्चन है 1 − √5 × x, बेटा ये भी क्या है, ये भी एक पाइनोमियल है, क्यों पाइनोमियल, आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो x का जो पावर है वो होल नंबर है, देखो यहाँ x का पावर यहाँ 0 है, नहीं होने का मतलब 0 ही होगा, 1 × x^0 वन ही होता है, यहाँ √5 × x है, देखो बेटा ये x जो है ना रूट के बाहर है, ध्यान दीजिएगा, तो x का पावर यहाँ 1 है, तो
तो हम क्या देख रहे हैं, ये इसलिए पॉलीनोमियल है क्योंकि जो x का जो एक्सपोनेंट है, जो वेरिएबल x का एक्सपोनेंट है, वो क्या होल नंबर है कहेंगे, बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ, वो चीज लिख सकते हो, द एक्सपोनेंट ऑफ x इन ईच टर्म क्या है बेटा, इज होल नंबर। ओके, आप ऐसे समझा के लिख सकते हो क्योंकि प्रत्येक टर्म में जो x वेरिएबल है उसका जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, जीरो है। देखो यहाँ x का पावर जीरो जो कि होल नंबर है, और होल नंबर है, और यहाँ x का पावर वन जो कि होल नंबर है, यही ये रीजन है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके बारे में सोचते हैं। वन अपान फाइव इंटू एक्स के पावर माइनस टू प्लस फाइव पी एक्स प्लस सेवन, थोड़ा बेटा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो अब अगर तुम जल्दीबाजी में देखो तो कहोगे नहीं ये पॉलीनोमियल नहीं है, लेकिन है ये पॉलीनोमियल। क्यों है, देखो इसको ऐसे लिखो, 1 बाई फाइव इंटू बेटा एक्स पे पावर माइनस टू जाएगा तो हो जाएगा एक्स पे पावर प्लस टू और प्लस फाइव पी एक्स और प्लस सेवन। अब तुम ध्यान से देखो प्रत्येक टर्म में, देखो यहाँ एक्स का पावर टू है, यहाँ एक्स का पावर वन है, यहाँ एक्स का पावर जीरो है, तो तुम क्या देख रहे हो, इस टर्म का जो वेरिएबल है उसका जो पावर है वो क्या होल नंबर है, सो ये पॉलीनोमियल है, यानी एक पॉलीनोमियल है, ये इज अ पॉलीनोमियल। अब रीजन क्या दे, रीजन यही दे देना कि बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ x इन ईच टर्म इज होल नंबर, यही रीजन ऊपर वाला दे देना। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया? ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, फिफ्थ। बहुत ही आसान है, देखो पॉलीनोमियल होने के लिए बस आपको ये देखना है ना कि जो एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके प्रत्येक टर्म में वेरिएबल x या जो भी वेरिएबल हो, x के रूप में है या y के रूप में, z के रूप में, उसे देखते ही पता चल जाएगा। तो जो वेरिएबल उसका पावर क्या है, बस ये देखना है कि प्रत्येक टर्म में जो वेरिएबल का जो पावर होगा ना वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर क्या होता है, जीरो वन टू थ्री फोर एंड सो वन, आप तो पता ही है। चलो ये देखो, x माइनस टू इंटू x माइनस फोर अपान x, बेटा देखो अगर जिसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, उसे मैं बता दूं पॉलीनोमियल नहीं होगा, लेकिन थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, x इंटू x, चलो पहले मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोल देते हैं, ये अपान x, ध्यान दीजिएगा, तो चाहो तो अलग अलग कर देते हैं, नहीं ये x कट जाएगा, सिर्फ यहां से x माइनस फोर बचेगा। बेटा यहां से देखो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स अपान एक्स, अब माइनस माइनस प्लस होता है, टू फोर जाएगा एट बाई एक्स। अब देखो माइनस टू और प्लस एट बाई एक्स, ध्यान से देखो बेटा कैसे किया, x माइनस फोर माइनस टू एक्स एक्स कटेगा प्लस एट बाई एक्स, थोड़ा सिंप्लीफाई करो ये हो जाएगा x माइनस सिक्स और प्लस एट और वन बाई एक्स को एट इंटू एक्स इनवर्स लिख सकते हो। देखो बेटा अब यहाँ देखो, अब ये एट इंटू एक्स पर माइनस वन आ गया ना, इसके वजह से ये पॉलीनोमियल नहीं है। तो आप आगे क्या लिखोगे, इज नॉट ए पॉलीनोमियल, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद ही अब बताइएगा, इज नॉट अ पॉलीनोमियल। अब रीजन में क्या लिखोगे, तो आप रीजन में लिखोगे कि यहाँ पे हियर, ठीक है ना, जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट क्या है, माइनस वन है, जो कि होल नंबर नहीं है। तो रीजन लिखना है कि सिंस द एक्सपोनेंट इज माइनस वन, ठीक है, द एक्सपोनेंट इन द वेरिएबल इज माइनस वन विच इज नॉट ए होल नंबर, यही हमारा रीजन है, इस वजह से पॉलीनोमियल नहीं है। तो रीजन में क्या लिखोगे कि दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलीनोमियल बिकॉज द एक्सपोनेंट इज माइनस वन, सो इट इज नॉट ए पॉलीनोमियल। ठीक है ना, वेरिएबल एक्स में, वेरिएबल एक्स का जो पावर है वो निगेटिव वन है, जो कि होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलीनोमियल नहीं है। ठीक बेटा, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये देखो वन अपन एक्स प्लस वन, देखो ये भी नहीं है, क्यों नहीं आप समझाते हैं, देखो सिक्स है ना, वन अपन एक्स प्लस वन तुम ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हो, ये लिख सकते हो एक्स प्लस वन का होल पावर माइनस वन, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो देखो एक्स प्लस वन का होल पावर माइनस वन, तो मैं बता दूं यहाँ प्लस वन होता तो ये हो जाता, प्लस टू होता तो पॉलीनोमियल हो जाता, लेकिन निगेटिव पावर है ना, इज नॉट ए पॉलीनोमियल, इज नॉट अ पॉलीनोमियल, ये पॉलीनोमियल बिल्कुल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल है उसका हो पावर क्या निगेटिव है, जबकि होना क्या चाहिए बच्चों, पॉजिटिव होना चाहिए। तो रीजन में तुम क्या दे सकते हो, आप रीजन में दे सकते हो कि इसका जो रेशनल एक्सप्रेशन है, ठीक है, देखो ये जो है रेशनल एक्सप्रेशन है, और जो रेशनल एक्सप्रेशन होगा, रेशनल मतलब ये होता है कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है, तो जब भी कोई पॉलीनोमियल px अपॉन qs के फॉर्म में लिखा जाता है ना,
तो पी एक्स पाइनोमियल होगा। देखो न्यूमरेटर पाइनोमियल है, डिनोमिनेटर पाइनोमियल है, लेकिन ओवरऑल ये पाइनोमियल नहीं है, ठीक है ना, इस वजह से ये पाइनोमियल नहीं हो रहा है। तो बिकॉज तुम रीजन बस इतना ही लिख देना, इट इज अ रेशनल, क्या है, एक्सप्रेशन है, रेशनल एक्सप्रेशन होने, रेशनल मतलब क्या होता है, कोई भी एक्सप्रेशन जो पी एक्स बाई क्यू या पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाए उसको हम रेशनल एक्सप्रेशन करते हैं। तो ये जो हमारा पाइनोमियल है रेशनल एक्सप्रेशन के रूप में लिखा गया है, इसीलिए ये पाइनोमियल नहीं हो रहा, ठीक है बेटा, बिकॉज इट इज ए रेशनल एक्सप्रेशन या इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन, सो इट इज नॉट अ पॉलीनोमियल, ठीक है ना, ठीक है। अब अगला है बेटा, ये बेटा समझा देते हैं, ये देखो a पे पावर 3 है, a पे पावर 2 है, a पे पावर 1 है, a पे पावर 0 है, एक्चुअली में ये भी एक पॉलीनोमियल है जो जिसका वेरिएबल a है, एक रूप में लिखा गया है, और एक क्यूबिक पॉलीनोमियल है क्योंकि हायर डिग्री इसकी 3 है, जी हाँ ये पॉलीनोमियल है। तो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे, रीजन ये लिखना कि जो वेरिएबल a है उसका प्रत्येक पावर क्या है, होल नंबर है, सो इट इज ए पॉलीनोमियल। देखो ये देखो, यानी ये पॉलीनोमियल है, मैं लिख दे रहा हूँ एक पॉलीनोमियल है, रीजन वही लिख देना जो पहले लिखते थे, ठीक है, 2x, 1/2x, इसको ऐसे लिखो ना। अब देखो x का पावर -1 आ गया, अब ये क्या है, नॉट ए पॉलीनोमियल है, इज नॉट ए पॉलीनोमियल। अब क्यों पॉलीनोमियल बेटा नहीं है, इसलिए नहीं पॉलीनोमियल है ना, कि जो वेरिएबल x है उसका पावर होल नंबर नहीं है, सो इट इज नॉट ए पॉलीनोमियल। इस तरह से बेटा आप यहां तक ये समझे कि कौन एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल है, कौन सा एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल नहीं है, अब तक आप ये सीखे, ठीक है। अब आइए अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस, जो कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। बेटा समय बचाने के लिए हमने कुछ आंसर पहले लिख दिए थे। पहला क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे, आपको ये बताना है इनमें से कौन पॉलीनोमियल जो होगा और वन वेरिएबल का है, ठीक है, या नहीं है, ठीक है, और जो भी रीजन है आपको देना पड़ेगा, प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा। तो पहला है कि 4x² - 3x + 7 क्या है, आप देख रहे हो ना कि जो वेरिएबल x है उसका पावर क्या है, होल नंबर है, ठीक है, सो इट इज ए पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल x। एक और देखो यहाँ पर सिर्फ x का ही यूज हो रहा है, एक वेरिएबल का है पॉलीनोमियल, ठीक है, और क्यों, क्योंकि उसके x जो वेरिएबल है उसका जो पावर है वो होल नंबर है, प्रत्येक x का जो पावर है वो होल नंबर है, सो इट इज ए पॉलीनोमियल। ऐसे ही कह रहा है कि y² + √2, देखो कह रहा है y² + √2 हैज होल नंबर एक्सपोनेंट्स ऑफ y, यानी y के जितने भी एक्सपोनेंट होंगे, प्रत्येक टर्म में y के जितने भी एक्सपोनेंट है होल नंबर है, जैसे यहाँ y का पावर 2 है, 2 होल नंबर है, या √2 × y^2 सपोज कर सकते हैं ना, मान सकते हैं, तो y का पावर यहाँ 0 है, तो इस वजह से होल नंबर है, 0 और 2 होल नंबर है, सो इट इज ए पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल y। ऐसे ही एक है 3√t + t × √2, बेटा ध्यान दो टी का 3√t को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × t^1/2 प्लस t × √2, यहाँ पर t का पावर 1/2 होल नंबर नहीं है, इसलिए पॉलीनोमियल नहीं होगा, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं इट हैज अ रेशनल एक्सपोनेंट। देखो रेशनल एक्सपोनेंट मतलब क्या है, कि जिसको p / 2 रूप में लिख रहा है उसे रेशनल कहते हैं ना, तो इट हैज अ रेशनल एक्सपोनेंट 1/2, जबकि होना चाहिए होल नंबर आप टी का एक, यानी एक टर्म ऐसा है जहां टी का पावर क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है ना, 1/2 के फॉर्म में है, रेशनल मतलब 1/2 के फॉर्म में है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, सो इट इज नॉट ए पॉलीनोमियल, इसलिए पॉलीनोमियल नहीं है, रेशनल एक्सपोनेंट रखा है इसलिए ये पॉलीनोमियल नहीं होगा। क्यों, पॉलीनोमियल होने के क्या कंडीशंस होते हैं, जो वेरिएबल होगा यानी जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट होगा वो क्या होना चाहिए बच्चों, होल नंबर होना चाहिए, ठीक है, जबकि यह रेशनल है। y + 2y लिख सकते हो, y + 2 × y^-1, यहाँ पे देखो यानी y का जो पावर है वो निगेटिव है, माइनस है, -1 है, तो इट हैज निगेटिव एक्सपोनेंट -1 ऑफ y, ठीक है, जबकि होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए और होल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना, तो इस वजह से ये भी पॉलीनोमियल नहीं है, इट इज नॉट ए पॉलीनोमियल। जब पॉलीनोमियल नहीं होगा तो हम बात ही नहीं करेंगे कि वन वेरिएबल का पॉलीनोमियल है कि टू वेरिएबल का, जब तक पॉलीनोमियल नहीं होगा तब तक हम सपोज ही नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे इसके बारे में कि वन वेरिएबल का टू वेरिएबल का है, पॉलीनोमियल होने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि वन वेरिएबल का पॉलीनोमियल है कि टू वेरिएबल का। जैसे देखो बेटा यहाँ x का पावर 10 है, y का पावर 3 है, t का पावर 50 है, बीच में प्लस लगा है साइन, इट हैज अ होल नंबर एक्सपोनेंट,
तुम देखो एक्स वाई और टी के जितने भी पावर है वो सबके सब होल नंबर है, तो इसको तो हम पाइनोमियल कहेंगे कहेंगे, लेकिन साथ ही साथ में हम कहेंगे कि ये जो पाइनोमियल है ये तीन वेरिएबल वाला पाइनोमियल है। तीन वेरिएबल कौन कौन है? एक्स वाई एंड टी। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में एक मार्क्स के लिए। अब आते हैं कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, क्या क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ए कॉन्स्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पाइनोमियल्स। बेटा पहला क्वेश्चन है 2 - x²+h³। ध्यान दो ये कौन सा पाइनोमियल है। देखो इसकी जो हाईएस्ट पावर वो 3 है इस एक्सप्रेशन में, इसकी डिग्री 3 है, इसलिए कौन सा पाइनोमियल होगा? ये क्यूबिक होगा, क्यूबिक पाइनोमियल। आप लोग अच्छे से लिखोगे कि एक क्यूबिक पाइनोमियल इसलिए है क्योंकि इसकी डिग्री 3 है। ऐसे बेटा ये भी क्या है? क्यूबिक पाइनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। ये भी क्या है? क्यूबिक पाइनोमियल है। ये भी क्या था? क्यूबिक पाइनोमियल है। ठीक है बेटा, देखो यहाँ टी का पावर 1 है इसलिए लीनियर पाइनोमियल है, लीनियर पॉलीनोमियल। आप लोग पूरा अच्छे से लिखोगे। बेटा देखो यहाँ 4 × y^0 y^2, इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक पाइनोमियल है। दिस इज टू बी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है बेटा, यहाँ देखो ये 3 रियल नंबर है और 3 को 3 × x^0 लिख सकते हैं, यानी जिसकी डिग्री 0 से कांस्टेंट पाइनोमियल करते हैं। ये आपका कांस्टेंट पाइनोमियल है, मैंने बताया भी था जितने भी रियल नंबर होते हैं एक्सेप्ट 0 सेट टू बी कांस्टेंट पाइनोमियल। दिस इज सेट टू बी कांस्टेंट पॉलीनोमियल। देखो 2 + x या x का पावर 1 है ना, तो इसलिए ये लीनियर पाइनोमियल होगा बेटा, ये लीनियर पाइनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। ठीक है, अब आते हैं 7th क्वेश्चन पे, y³ - y। देखो वहां y का पावर 3 है यानी ये क्यूबिक पाइनोमियल है, क्यूबिक पाइनोमियल है। क्यों क्यूबिक पाइनोमियल है? क्योंकि इसकी डिग्री जो है 3 है, सो इट इज सेड टू बी क्यूबिक पाइनोमियल। 8th क्वेश्चन, देखो 1 + x + x² है, ये इसकी जो डिग्री 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक पाइनोमियल होगा, इट इज सेड टू बी क्वाड्रेटिक पाइनोमियल। बहुत ही आसान है, ये भी बेटा क्या है? क्वाड्रेटिक पाइनोमियल है। क्यों? क्योंकि अब देख लो t² है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पूरा अच्छे से लिखना पॉलीनोमियल। बेटा देखो √2 × x - 1 है, ठीक है ना, ये कौन सा? यहाँ x का पावर 1 है और इसकी डिग्री 1 है, सो इट इज सेड टू बी लीनियर पॉलीनोमियल। ये बेटा ये जो है आपका लीनियर पॉलीनोमियल है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस एक एक मार्क्स से पूछे जाते हैं, तो आपने इसको बता दिया। अब आते हैं कुछ और क्वेश्चन को लेकर, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कर गिव वन एग्जाम्पल इज ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। कह रहा है कि एक ऐसा बाइनोमियल का एग्जांपल दो जिसकी डिग्री 35 हो, फिर दूसरा क्वेश्चन है एक ऐसा मोनोमियल का एग्जांपल दो जिसकी डिग्री 100 हो। तो बेटा देखो हम बड़े आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं। पहला आंसर लिखते हैं जिसकी डिग्री 35 हो, मान लो कोई बाइनोमियल px है जिसकी डिग्री 35 हो, तो x की वैल्यू 35 लगा दो। अभी तक तो ये मोनोमियल है लेकिन हमको बाइनोम लिखना है, एक टर्म और एक्स्ट्रा ऐड कर दो, एक्स लगा दो या कोई कांस्टेंट लगा दो, ठीक है ना। अभी देखो अभी क्या है, मोनोमियल सॉरी बाइनोमियल भी हो गया और इसकी डिग्री 35 हो गया, ठीक है। दूसरा इसके लिए मोनोमियल और जिसकी डिग्री 100 है, जैसे मान लो x^100, एक नया px = ये आपका दूसरा एग्जांपल हो गया, ठीक है। आप नाम नेमिंग कर सकते हो, px लिख दो, fx लिख दो, gx लिख दो, यही आपके सोल्यूशन होंगे। अब ऐसा नहीं कि यही होगा, अब चाहो तो या कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करो तब भी ये मोनोमियल ही होगा, ठीक है ना, ध्यान देना बच्चों, ठीक है। ये भी सही है, आप दो को हटा भी सकते हो, ठीक है। चलो एक इसी को हम थोड़ा चेंज करते हैं, हम मान लेते हैं एक ऐसा जिसका डिग्री क्या हो मतलब 25 हो, और मतलब जिसकी डिग्री क्या हो 75 हो। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? तो देखो इसका सोल्यूशन क्या होगा, चलिए तो गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 25, यानी पहला एग्जाम्पल जिसकी डिग्री 25 हो, यानी x^25 प्लस कोई नंबर जोड़ दो कोई भी, ठीक है। अब ये बाइनोमियल हो गया जिसकी डिग्री 25 होगी क्योंकि दो टर्म है और डिग्री 25 है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल, एक मोनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 75 है, यानी सिर्फ x^75 भी लिख सकते हो, ठीक है, एक बाइनोमियल ये भी हो गया। मान लो बेटा हम यहाँ बाइनोमियल की जगह फिर हम ट्राइनोमियल इंसर्ट करते हैं, ट्राइनोमियल, तो क्या होगा? ट्राइनोमियल कर दे, उस केस में क्या होगा कि आप क्या करो, यहाँ पे एक और टर्म जोड़ दो। देखो x^25 + 3x+1 तीन टर्म हो गए, तो देखो ट्राइनोमियल भी हो गया और इसकी डिग्री क्या है 25 हो गया। हम इसको अगर बाइनोमियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लो इस सवाल को हम चेंज करते हैं, जैसे इसको हम लोग बाइनोमियल कह दे रहे हैं, बाइनोमियल कह दे रहे हैं, एक ऐसा बाइनोमियल बनाओ जिसकी डिग्री 75 हो, x^75 से मोनोमियल ही रहेगा, एक और कांस्टेंट जोड़ दो चाहे x जोड़ दो कुछ भी जोड़ दो,
कोई नया टर्म जोड़ दो, चलो सिक्स जोड़ दिया हमने, अब ये क्या है बेटा बाइनोमियल है। ऐसे बहुत से सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए पॉलीनोमियल व्हिच इज, पहला क्वेश्चन अब मोनोमियल ऑफ डिग्री 15। देखो बेटा मोनोमियल जिसकी डिग्री 15, अब बस इतना ही लिख दो, ये पहला है। सेकंड अब बाइनोमियल ऑफ डिग्री 25, तो बाइनोमियल लिखने के दो टर्म, कोई रियल नंबर एक, देखो दो टर्म है और जिसकी डिग्री क्या है 28 है, सॉरी यहां 28 लगा दो। और तीसरा है ट्राइनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो, तो मतलब जिसकी डिग्री 4 हो, इस एक्स टू दी पावर 4 एक्स क्यू प्लस एक्स कर दो, या एक्स को हटा कुछ भी नहीं सकता, कांस्टेंट में तीन टर्म दिखना चाहिए। ये भी क्या है एक ट्राइनोमियल, तीन टर्म है इसकी डिग्री 4 है, यही आपका आंसर है। अब ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे यही एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है, आप चाहो तो यहाँ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, रेशनल नंबर से, रेशनल नंबर से, ठीक है, जीरो से मत मल्टीप्लाई करना, ठीक है, चाहो तो यहाँ 2x लिख दो, 2x पे पावर 4 कुछ भी लिख सकते हो, बस ध्यान देना कि यहाँ जो भी टर्म होगा x का जो पावर होगा वो 28 से कम होना चाहिए, ठीक है ना, और होल नंबर होना चाहिए। तो ये आज का जो अंतिम टॉपिक है एज ए होमवर्क है, आपको होमवर्क करने से रिलेटेड है, क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल, ये आपके कुछ पॉलीनोमियल्स दिए गए हैं, इनको डिग्री आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है बच्चों। फिर अपने बुक से भी आप कर सकते हो, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से भी, एक्चुअली अभी जो पढ़े हो वो अभी क्या इंट्रोडक्शन पार्ट है पॉलीनोमियल का, इसके बाद हम जीरो जा पॉलीनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ये सब आप पढ़ोगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, आप इसको एक अच्छा सा नोट्स बना सकते हैं, आज के लिए बस इतना ही।